ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੈਡਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 76ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ असी ये 76ਵਾਂ आजादी दिवस जोड़ा मना रहे हैं। मैं अपने पंजाब वासियों को इंडिया वासियों को यही कहना चाहती हाँ कि प्लीज़ लड़ाई झगड़िया तो बचो। ये जिन्या भी आपसी रंजिशा इन्हों छड़ के ये सोचो कि असी इंडिया अगे किवें बढ़ा सकते हैं, असी अपने पंजाब को तरक्की ते किवें लिया सकते हैं, असी अपनी इंडिया को तरक्की ते किवें लिया सकते हैं। और धीआं भैणां नाल गलत काम जिहड़े हो रहे हैं, जिहड़ियां चीज़ां ये बेकार दियां हो रही हैं, उन्हां तो दूर हो जाओ। सारे उन्हां बचाण की कोशिश करो क्योंकि धीआं भैणां सारिआं दी इज्जत सांझी हुंदी है। ये जो भी हो रहा है, जिन्ने भी ये दंगे फसाद चल रहे हैं, असी किसी पार्टी के खिलाफ जाके नहीं बोलना चाहते। बस असी यही कहना चाहते हैं कि जे तुसी इंडिया वासी हो तो सारे ही इंडिया नाल प्यार करो, तो दिलों प्यार करो, उन्हूं अपना समझो, तो दिलों अपना समझो, उन्हां दियां धीआं भैणां नूं भी दिलों अपना समझो। तो यही समझ के चलो कि असी इन्हां नूं अगे किवें बधाना है, असी बेरोज़गार बच्चों रोज़गार किवें देने हैं। कुछ ऐवें दा काम करके दिखाओ कि असी सारे जने एकजुट होकर अगे वध सकीए, तो अपना इंडिया भी पहले नंबर ते आ सके, जिवें पहले सोने की चिड़िया कहा जाता सी पंजाब नूं, हुण तो फिर कहा जावे उह चीज़। बस यही सपना लैके चल। अभियान संस्था दे वल्लों किहड़े किहड़े कार्ज कीते जा रहे ने? अभियान सेवा संस्था वालों गरीब बेसहारा औरतां ते बच्चों की सहायता कर रहे हैं। असीं उन्हां दी फ्री पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं, उन्हां नूं इत्थे रह के रहन दा असीं इंतजाम कर रहे हैं, उन्हां नूं सहारा दे रहे हैं। एक नॉर्मल बच्चे नूं असीं इत्थे लिया रहे हैं, जल्दी ही उनका भी सारा पूरा असीं खर्चा चक्कर नूं तैयार हाँ, और उनका भी पढ़ाई का सारा कुछ असीं करांगे।